हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए वो कैब में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को कराऊंगा। और लास्ट में दो तीन ग्रामर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिन्हें मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक ट्यूबवेल। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन गलत हो गया है दोस्तों, गलती से मिस टाइप हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे ईडीएम है दोस्तों, ट्यूबवेल द कैट। ईडीएम का मीनिंग बताना है दोस्तों, ईडीएम का मीनिंग बताना है। गलत लिखा गया है दोस्तों डायरेक्शन, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक नहीं रहेगा। ईडीएम का मीनिंग बताना है दोस्तों, ट्यूबवेल द कैट ईडीएम है, इसका मीनिंग बताना है। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ट्यूबवेल द कैट, इसका मीनिंग दोस्तों होगा टू टेक लीड इन डेंजर होगा, टू टेक लीड इन डेंजर। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ लोग सोचेंगे कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, टू बेल द कैट का होता है टू टेक लीड इन डेंजर। दूसरा देखिए, यह भी ईडीएम है दोस्तों, तो इसको बताना है। देखिए इसका क्या होगा, टू बी इन ए फिक्स। टू बी इन ए फिक्स का मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है, मतलब हैरानी में रहना या फिर बिगलता में रहना दोस्तों। तो देखिए हैरानी में रहना, तो इसका क्या होगा, टू बी इन परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी दोस्तों, इसका मतलब परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, हैरानी या बिगलता होता है दोस्तों। तो टू बी इन परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होगा, हैरानी में रहना। तो दोस्तों टू बी इन ए फिक्स का मतलब टू बी इन परप्लेक्सिटी दोस्तों। ठीक है, एक वर्ड दिया दोस्तों, टू फील गिडी। दो गिडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिडी का मतलब होता है चंचल दोस्त होता है। गिडी का मतलब क्या होता है, चंचल होता है, गिडी का मतलब चंचल। ठीक है फ्रेंड्स, और परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, हैरानी होता है दोस्तों, परप्लेक्सिटी का मतलब हैरानी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया लेकिन दोस्तों इसका हमें बताना है सिनोनिम। क्या बताना है दोस्तों, सिनोनिम बताना है। असल में जो दोस्तों टाइपिस्ट है वो कुछ अच्छे से नहीं लिख पाया दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि सिनोनिम बताना है। तो फिक्शन का क्या होता है, फिक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक। फिक्शन आप लोग जब भी कोई सीरियल देखते होंगे या फिर टीवी देखते होंगे, वेब सीरीज देखते होंगे, उसमें लिखा रहता है स्टार्टिंग में फिक्शन, दिस इज फिक्शन, फिक्शनल स्टोरी मतलब काल्पनिक स्टोरी है दोस्तों। तो इसका सिनोनिम बताना है। तो काल्पनिक जब होता है फिक्शन का मतलब, तो दोस्तों काल्पनिक का कौन है, आर्टिफिशियल का होता है दोस्तों, क्या होता है, मानव निर्मित, कृत्रिम होता है। फाल्स का मतलब गलत, और रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा सिनोनिम। इमेजाइंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, काल्पनिक दोस्तों, तो इमेजाइंड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका हमें क्या बताना है, इसका दोस्तों हमें बताना है एंटोनिम बताना है। क्या बताना है दोस्तों, एंटोनिम बताना है, इसका आप नोट कर लेंगे, इसको बताना है एंटोनिम। ठीक है फ्रेंड्स, एंटोनिम बताना है। ठीक है दोस्तों, ग्रेव का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, सीरियस दोस्तों। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिपले हो जाएगा दोस्तों। ट्रिपले कैसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ट्रिपले गंभीर, ग्रेव को आप कह सकते हैं कोई गंभीर बात, कोई गंभीर समस्या ऐसे कर सकते हैं। तो ट्रिपले का मतलब होता है हल्की फुल्की बात दोस्तों, नॉर्मल थिंग, हल्की फुल्की बात दोस्तों ट्रिपले का मतलब होता है। अब आप कहेंगे लाइट क्यों नहीं होगा, लाइट का मतलब भी तो हल्का होता है, लेकिन दोस्तों लाइट का मतलब ऐसे मेजरमेंट में हम कहते हैं कि हल्की है वस्तु या फिर भारी है, तो उस जगह पर लाइट का यूज करते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ग्रेप का ट्रिपले हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको भी हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स, एंटोनिम बताना है इसको भी। तो आप हीट का मतलब होता क्या है दोस्तों, हीट का मतलब होता है सावधान रहना। ओके फ्रेंड्स, हीट का मतलब क्या होता है, सावधान रहना। हीट का मतलब क्या होता है, सावधान रहना। तो मैं आपको बता देता हूँ, हीट का मतलब सावधान रहना, आप इसे नोट कर लें अगर आपको पता नहीं हो तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। तो हीट का मतलब सावधान रहना होता है, तो आप इसका एंटोनिम बताना है। तो केयरफुल का मतलब सावधान मतलब जो व्यक्ति हमेशा केयरफुल रहता है, सावधानीपूर्वक रहता है। देखिए केयरलेस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, केयरलेस का जो ऐसा व्यक्ति जो सावधानी से नहीं रहता हो, तो
इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, देखिए दोस्तों, अब पांच जो थे मैंने वोकैब के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस थे दोस्तों। आपको लगा, आपको देखकर ही लगा होगा कि बेहतरीन क्वेश्चंस थे, बेहतरीन वोकैब्स थे दोस्तों। अब देखिए मैं आपको दो तीन क्वेश्चन इसके करा दूंगा ग्रामर के, तो चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ग्रामर का क्या है, ईट ईट सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो दोस्तों यह फिल इन द ब्लैंक्स है, तो टाइपिस्ट ने यहाँ पर नहीं लिखा था, यह रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों। तो दोस्तों टाइपिस्ट ने यहाँ पर नहीं लगा था लिखा था, तो दोस्तों यह क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए इसको करते हैं क्या होगा इसका, इसका है इट सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों रेन को भरना है, रेन को, रेन वाले वर्ड को भरना है। अब कौन सा वाला भराएगा, देखिए कैसे हम, कौन सा फील होगा इसमें, कौन सा सूटेबल होगा। तो देखिए जब भी सीन्स आए दोस्तों, तो आप समझ लीजिएगा पहले कि परफेक्ट वाली टेंस की बात हो रही है, परफेक्ट वाली टेंस की बात हो रही है दोस्तों, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर वाला हो, या फिर दोस्तों पास्ट वाला हो, या फिर प्रेजेंट वाला। तो परफेक्ट की तो बात होगी, आप समझ गए हैं। देखिए दोस्तों यह इज रेनिंग नहीं परफेक्ट, परफेक्ट में है, रेंड भी परफेक्ट में नहीं है दोस्तों। अगर आपको ट्रांसलेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा इज रेनिंग है दोस्तों कंटिन्यूअस का है, रेंड दोस्तों यह पास्ट इंडेफिनिट का है। अब विल हैव बीन रेनिंग और इन दोनों में दोस्तों दोनों परफेक्ट में हैं दोस्तों, परफेक्ट में तो दोनों हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी दोस्तों सिंस जब भी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, परफेक्ट में नहीं रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, गलती से मैंने बोल दिया परफेक्ट में। सिंस जब भी आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जानते होंगे, अगर आप ट्रांसलेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तब जानते होंगे किस चीज़ का यूज होता है, प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में। देखिए फ्रेंड्स यह दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, अब कौन सा ऑप्शन सही है, अब हमें चूज करना है। यह दिया है, लिखा है दोस्तों क्वेश्चंस, लिखा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, मतलब आज की ही बात हो रही है, सुबह हाल ही में, सुबह में थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी, बारिश थोड़ी देर पहले से ही बारिश हो रही है दोस्तों, मतलब अर्ली अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, आज के ही सुबह की बात हो रही है दोस्तों। अगर फ्यूचर की बात होगी तो यह दोनों तो गलत हो गए, अगर फ्यूचर की, इन दोनों में से ही सही है ना दोस्तों, अगर फ्यूचर की बात होगी तो यहाँ पे मतलब यूज नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा रिलेट करके समझिएगा तो आप क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह भी ग्रामर से है, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है यह भी। तो ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, जंप ऑफ का मतलब दोस्तों होता है कूद जाना, जंप के बाद ओ डबल एफ वाला प्रीपोजिशन आता है, द बस व्हाइल इट। अब इसको भरना है, कौन सा भराएगा, व्हाइल इट इज मूविंग। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब भी पहला दो मतलब दोस्तों मतलब क्या कह रहा हूँ, कंजक्शन से दोस्तों, कंजक्शन से दोस्तों, जब भी कोई दो वाक्य जुड़ा हो, कंजक्शन से दोस्तों दो, जब भी दो वाक्य जुड़ा हो तो वहाँ पे पहला वाला वाक्य अगर पास्ट में है तो दूसरा वाला भी दोस्तों पास्ट में रहेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहला वाला पास्ट में तो दूसरा वाला भी पास्ट में रहना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए इज मूविंग या दोस्तों पास्ट में नहीं है, अब तीनों पास्ट में है दोस्तों, मूव्ड का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज मूविंग पास्ट इंडेफिनिट, हैड मूव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, लेकिन हैड मूव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। लेकिन अब इसमें कौन सा भराएगा, देखिए ही जंप्ड ऑफ्ड, अब इसका अर्थ निकालिए, वह कूद गया, चलती बस से कूद, वो ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, वह कूद गया, लेकिन जबकि इट हैड मूव्ड, जबकि यह चल दिया था, या फिर इट मूव्ड जबकि यह चल दिया था, दोनों का तो लगभग लगभग एक ही सेंस होगा, वह कूद गया जबकि बस चल दिया था, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा दोस्तों, आप निकालेंगे सेंस ऐसा नहीं आ रहा। इसका परफेक्ट सेंस क्या आ रहा है, ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज मूविंग, वह चलती बस से कूद गया दोस्तों, इसका यह परफेक्ट सेंस आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाक से, देखिए फटाफट हम लोग आ गए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो क्या है यह, इसमें फिल इन द ब्लैंक है, टाइपिस्ट ने बहुत बड़ी गलती की दोस्तों, उन्होंने डायरेक्शन नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ दोस्तों, मैंने पढ़ाया तो नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। अब इसका अर्थ निकालिए, डायरेक्ट इसका अर्थ निकालेंगे, तो द मैच विल स्टार्ट,
मैच शुरू होगा व्हेन द रेफरी, जब मैच शुरू तभी होगा जब रेफरी आएंगे। इसका अर्थ ऐसा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, मैच शुरू तभी होगा जब रेफरी आएंगे। तो विल कम दोस्तों आएंगे, या पास्ट प्रजेंट फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। और बाकी सब प्रजेंट में और पास्ट में दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, ये वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, हाँ आखिरी ही है, तो इसे तो आप आराम से कर देंगे, देखते ही ट्रिक मार देंगे कि सी वाला सही है। अब कैसे सही है आप जानते होंगे, जब भी दोस्तों एक पर्सन की क्वालिटीज़ की तुलना दूसरे पर्सन के क्वालिटीज़ से की जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे दूसरे पर्सन से पहले मतलब द का यूज कर सकते हैं दोस्तों आर्टिकल। तो आप इससे तो जानते ही होंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, यह बदनाम क्वेश्चन है दोस्तों। तो द वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है इंडिया के शेक्सपियर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर बताएं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिल